Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, friends. Good morning, sir. So, in previous lecture, YouTube live कर दिया ना? In previous lecture, we have just discussed the basics things. बराबर है ना? हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया था, हमने कुछ CA foundation का maths के बारे में specifically कुछ discussion नहीं किया था. It was just a general discussion. Correct or not? तो जैसे मैंने बताया था कि मैथ्स का मैंने मतलब जानबूझ के ये दो तीन दिन मतलब ब्रेक लेने का पर्पज़ ये था कि आई वांट कि आप जब भी मैथ्स का लेक्चर अटेंड कर रहे हो डे नंबर वन से आपके पास नोट्स हो. एक्चुअली मैं बिना नोट्स के भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकता था टिल अप टू प्रीवियस बैच, बट इस बैच में मैंने नोट्स ही ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिसका कंसेप्ट है नो नोटबुक कंसेप्ट. नो नोटबुक कंसेप्ट. व्हाट इज नो नोटबुक कंसेप्ट? मैं ही आपको नोट्स दे रहा हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखने के लिए जगह छोड़ी हुई है. समझ रहा है क्या? तो बहुत सारा प्रैक्टिस उसी में होगा. नो डाउट अदर देन दैट आपको बुक्स दिए जाएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, रिविजन है. आप समझ रहे हो क्या? बट अपना जो अपन क्लास में नोट्स बनाते वही अपने को समझ रहा है ना, उसी के अंदर अपने को लिखना है. जस्ट लाइक बचपन में वगैरह आपने कभी मैथ्स के वर्क बुक्स वगैरह सॉल्व किए रहेंगे, बराबर है ना, जिसमें क्वेश्चन उसी में लिखा रहता था, आंसर भी उधर ही है. ठीक है, तो अब उसी तरह से हम यहां पे भी जाएंगे एंड यू विल लव लाइक दिस एनीथिंग. ठीक है, अब माय मैथ्स में जैसे मैं उस दिन आपको बता रहा था कि आपको थोड़ा सा ये ट्रांजिशन फेज है. ओके, जहां पे आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जब अपन डिस्क्रिप्टिव लिखते थे या टेंथ में भी अपन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते थे, अब वो छोड़ के अपने को एमसीक्यू पे शिफ्ट होना है. तो उसके लिए एक लर्निंग का मेथडोलॉजी भी कंप्लीटली चेंज होता है. तो आपको आपका माइंडसेट भी थोड़ा सा अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा. तो एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब आपको कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है आपको. मैं बराबर वो सब कुछ कर दूंगा, आपको सिर्फ शुरुआत में थोड़ा पेशेंस रखना है एंड आपको एक या दो तुरंत लेक्चर में कंक्लूजन पे नहीं आना है. मैं डे नंबर वन को भी आपको बताया था, डू यू रिमेंबर और नॉट, कि भाई लेक्चर नंबर वन मुझे कुछ समझ नहीं रहा है तो भी ध्यान देने का. करेक्ट और नॉट? क्योंकि एक एक करते 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 अपने को समझेगा कि अपने को सब याद आ रहा है. जैसे मैं उस दिन भी कुछ एग्जांपल दिया था, कोई वेब सीरीज अपने को नहीं समझ रहा है, कोई मूवी अपने को नहीं समझ रहा है, तो भी अपन क्या करते? तो देखते ही है, कंटिन्यू ही करते. करेक्ट और नॉट? उसको छोड़ थोड़ी देते हम लोग. करेक्ट और नॉट? एंड हम लोग जब उसके अंदर जाएंगे, जब उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तब अपने को समझेगा. कोई आज तक स्विमिंग सीखा है क्या स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के? नहीं सीखा है ना. करेक्ट, स्विमिंग पूल के बाहर वो बैठ के ये बोल सकता है क्या, जब तक परफेक्ट नहीं आएगा तब तक मैं उतरूंगा ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. आज तक किसी को ड्राइविंग आया है क्या बिना स्टेयरिंग पे बैठे, कि मैं पूरा पहले थियोरेटिकली पूरा पढ़ पढ़ के यहां पे परफेक्ट करूंगा उसके बाद में मैं स्टेयरिंग पे बैठूंगा? ओके, ऐसा हो सकता है क्या? उसका एग्जाम लिया पहले कि चलो ड्राइविंग कैसे करते, फिर उसको बोला गया कि हाँ लेफ्ट टर्न मारना है तो 38 डिग्री में तुझे स्टेयरिंग घुमाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा इधर आना है तो 35 डिग्री में, फिर उसका एग्जाम लिया जाएगा एंड उसका प्रैक्टिकल बाद में बोलेगा हाँ चल भाई तो टॉपर है चला, अभी क्या आने वाला है उसको? क्या आने वाला है क्या कुछ? तो एग्जाम का टॉपर है थ्योरी में, समझ रहा है कि नहीं? उसने ऐसा रट्टा मार मार के आंसर याद किए, समझ रहा है कि नहीं? टर्न मारने के लिए ये एंगल लेना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, या किसी ने स्विमिंग के लिए ऐसा किया हुआ है, ऐसे जंप मारने का, फिर एक हाथ इधर घुमाने का, फिर मुंडी ऊपर लेने का, सांस लेने का, फिर पैर ऐसा घुमाने का, पैर का ये एंगल होना चाहिए, वो एंगल नहीं होना चाहिए, पूरा लिख लिख के याद कर लिया उसने स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू. उसको बोला चल भाई आप स्विमिंग, ढकल दिया अंदर. कहां है थियरी अभी? आप सिर्फ एक ही है, बचाओ. बराबर है कि नहीं? तो अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो अपने को समझेगा कि बॉस एग्जैक्टली राइट, अपने को इसको डील कैसे करना है. करेक्ट और नॉट? मेयर थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज एनी वेयर. करेक्ट और नॉट? इन स्टूडेंट लाइफ नॉर इन प्रोफेशनल लाइफ. कल जाके सीए बन के अब अगर आप काम करोगे तो आपको ऐसे बुकिश नॉलेज काम में नहीं आने वाला है, समझ रहा है क्या? तो हम लोग क्लास में यही अप्रोच रखेंगे कि अपने को एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सिर्फ फाउंडेशन पास होना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे. समझ रहे हैं ना बच्चों? तो मैथ्स इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, मैथ्स इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट. आप भी ये जानते हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द फ्यूचर. करेक्ट और नॉट? फिर वो आपका स्टूडेंट लाइफ हो, इंटर फाइनल का या उसके बाद का लाइफ हो, मैथ्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल माई फ्रेंड्स. आप अगर बोलोगे कि नहीं 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 मैथ्स का कोई काम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई. समझ रहा है क्या? कोई भी फील्ड लो, ओके, ये इसका एप्लीकेशन आएगा ही आएगा. ओके, तो जैसे मैंने बताया कि अपना ये बैच का ड्यूरेशन रहने वाला है अराउंड 210 आवर्स. कितना?
210 आवर्स का ड्यूरेशन है. लास्ट बैच में मैंने अराउंड 105 लेक्चर्स लिए, 2 घंटे के 105 घंटे के 2 लेक्चर. ओके, उसमें से कुछ टाइम अगर आप हम लोग यहाँ पे कुछ लिखने के लिए वगैरह टाइम बच सकता है, क्योंकि अभी मैंने प्रिंटेड दिया हुआ है वो सब मिला जुला के हम कुछ और जो एक हाफ हाफ दो चैप्टर्स ऐड हुए, मतलब टोटल एक चैप्टर ऐड हुआ है ऐसे बोल सकते हो आप, उसको मिला के 210 आवर्स का अपना बैच है. तो 210 घंटे में हम लोग यहाँ पे पूरे ये मैथ्स का पोस्टमार्टम कर देंगे बच्चों. ओके, 210 घंटे में सब कुछ. ओके, विल स्टार्ट एग्जैक्टली ऑन टाइम. एक पहले एक दो दिन छोड़ दो अभी, वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली ऑन टाइम. हम एक मिनट भी लेट नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल पीपल. समझ रहा है कि नहीं? अगर हम लेट है तो राइट, वी शुड नॉट फील गुड अबाउट इट, करेक्ट और नॉट? तो हम लोग एकदम टाइम पे स्टार्ट करेंगे एवरी डे. राइट, जो भी अनाउंस्ड है वो क्लास होगा ही होगा, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. समझ रहा है क्या? इवन यू नीड टू कम ऑन एवरी डे, यू हैव टू कम टू द क्लास ऑन एवरी डे. समझ रहा है बच्चों? एंड आपको ये मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है. धीरे 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 आपको लगेगा कि भाई ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आज तक मुझे क्यों टफ लगता था पता नहीं. ठीक है बच्चों, तो आप ये मैथ्स एंजॉय करने वाले हो? जो लोग लाइव स्ट्रीम वाले भी बच्चे हैं, राइट, ये मैथ्स अपने को एंजॉय करना है. इसको ये बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या करूं अभी मैं यार, कुछ तो करके मैथ्स में कंप्लीट करूंगा, ये अप्रोच नहीं रखना है आपको. आप समझ रहे हो क्या? मैथ्स में हम लोग ऐसा आपका लेवल लाएंगे कि आपको लगेगा हाँ यार ये सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट है. ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें. तो जो लोग लाइव स्ट्रीम में है बच्चों, आपके पास आई होप आपके पास नोट्स है, आपके पास नोट्स है. एंड नोट्स नहीं है तो भी आप आज का आपके जो ग्रुप पे नोट्स आ जाएंगे आपको, वो उसके उसका प्रिंट आउट आप ले लो. कुछ लोगों ने लिया भी रहेगा आई एम श्योर प्रिंट आउट. ओके, एंड आपको ये आज जो भी है कुछ पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे उतना, उसके साथ साथ में कंप्लीट करना है आपको. ये जो पूरा जो नोट्स का वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू रेगुलर बैच का जो नोट्स है वो अराउंड 1200 पेज का रहेगा, 1200 पेजेस रहेंगे. उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के 380 पेजेस के 2 बुक रहेंगे, मैंने आपको बोला था. एंड फिर एमसीक्यू का आपको एक अराउंड 500 पेजेस का बुक है एमसीक्यू का, जिसमें 5000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों. तो ये सब कुछ इसका हार्ड कॉपी, जो लोगों ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया है, जीडी पीडी लिया है, सबको इसका हार्ड कॉपी मिलता है, फेस टू फेस वालों को भी मिलता है. तब तक जस्ट राइट कि ट्रांजिशन फेज में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑर्डर है, ये सब तक जाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको भेजे हुए सॉफ्ट कॉपी, ताकि आपका बैच चालू हो सके. ठीक है बच्चों? यस, चलो फिर करें स्टार्ट बच्चों. हम लोग करें विदाउट एनी इंट्रोडक्शन एंड ऑल दोस थिंग, हम लोग मैच ही एंजॉय करेंगे. बाकी आपको कुछ और ऐसे मतलब आपको बोर होगा इसलिए एंटरटेनमेंट की वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं ना? वैसे भी हम कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, बराबर है ना? थोड़ा भी कुछ टाइम पास हो तो आप बोलेंगे नहीं सर प्लीज आप मैथ्स को स्टिक रहो सर, बिल्कुल भी ऐसे इधर उधर की बातें मत करो, ऐसे बोलोगे ना आप, बराबर ना बच्चों? यस, ठीक है, वेरी गुड. तो हम लोग मैथ्स को स्टिक रहेंगे, एकदम मैथ्स को ही एंजॉयमेंट लेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये सीए फाउंडेशन हम लोग कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? May 24 एग्जाम. ओके, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे सीए फाउंडेशन, ऐसे तो वहां तो लिखा ही है. आपको नोट्स मिल गया ना बच्चों सबको? अभी उसके सामने लिख देना May/June 2024 एग्जाम. May/June 2024 एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं सीए फाउंडेशन May/June 2024 एग्जाम. ठीक है बच्चों? यस, तो आपको ये थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट समझा क्या, क्या एग्जैक्टली मैं आपको जो नोट्स दिया इसमें आपको ये लिखना, ये समझा क्या? मैंने कुछ पार्ट दिया हुआ है, कुछ पार्ट आपको कंप्लीट करना है, एंड यही अपने नोट्स बन जाएंगे. समझ रहे हैं ना बच्चों? यस, तो प्रेफरेबली आप अभी यहाँ पे आपके पास वो ब्लैक कलर का प्रिंट रहेगा तो आप या तो ब्लू पेन यूज करो या रेड पेन यूज करो, मतलब वो दो कलर अलग अलग रहेंगे. आपने क्या लिखा है मैंने क्या लिखा है कंप्लीटली अलग अलग दिखना चाहिए वहां पे, बराबर है ना? तो आप या तो ब्लू पेन यूज करो या रेड पेन यूज करो, जो भी कुछ है अदर देन ब्लैक जो भी है कलर यूज करो आप वहां पे, ताकि आपने क्या लिखा है वो आपको भी एकदम क्लियर रहेगा, बराबर ना बच्चों? समझा कंसेप्ट आपको? ये क्या कंसेप्ट है समझा क्या ये नोट्स का? ठीक है, एंड मैं पहले ही दिन आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं, जब ये सारे रेगुलर बैच के नोट्स है ना बच्चों, ये सब आपको मेरे साथ ही कंप्लीट करना है. आगे जाके अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखते बैठना है. आपको लगा कि नहीं मैं आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं तो भी नहीं करने का, उसके लिए आपके पास वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग बुक है. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपको लगता है कि नहीं सर मुझे प्रैक्टिस करना है, इसके आगे के क्वेश्चन नहीं करना है आपको, समझ रहा है क्या? उसका अलग बुक है अपने पास. ओके, ये रेगुलर नोट्स आपको मेरे साथ ही कंप्लीट करना है, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ साथ में मुझे कुछ और चीजें लिख के देना है, कुछ और कंप्लीट करवाना है. समझ रहा है क्या? तो ये बुक आप मेरे साथ ही कंप्लीट करोगे. आप प्रॉमिस करो मुझे Day 1 कि सर आपके साथ हम ये पूरा बुक कंप्लीट करेंगे. बोलो
सर आपके साथ ये पूरा बुक हम कंप्लीट करेंगे, एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप फेल हो ही नहीं सकते, आप फेल हो ही नहीं सकते। आपका पास करना ना, आप पास होना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट प्रोवाइडेड यू आर अटेंडिंग ईच एंड एवरी लेक्चर, यू आर अटेंडिंग ईच एंड एवरी लेक्चर। अगर हर एक लेक्चर में आप प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली यू कांट फेल ओनली, इट्स इम्पॉसिबल टू फेल, इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। चलो फिर फर्स्ट चैप्टर तो हम आज स्टार्ट करने वाले। बिफोर दैट मैं आपको सीए फाउंडेशन का क्या सिलेबस है वो भी लिख के देता हूं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस सिक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा, कौन से सिक्वेंस में मैं चैप्टर्स लूंगा। चलेगा बच्चों? Yes. तो सीए फाउंडेशन मैथ्स ऑब्वियसली आप पेपर 300 मार्क्स का पेपर है। पेपर 1 कौन सा होता है? अकाउंट्स। पेपर 2 लॉ। पेपर 3 मैथ्स। पेपर 4 इकोनॉमिक्स। ओके, तो ऑब्वियसली उसमें से दो पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बराबर है ना? कौन से? इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, एंड दो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव है, लॉ एंड अकाउंट्स। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अकाउंट्स के लिए ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, लॉ के लिए ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, मैथ्स के पेपर का ड्यूरेशन है 2 आवर्स, इको के पेपर का ड्यूरेशन है 2 आवर्स। मैथ्स का इवन दो 100 मार्क्स का पेपर है, बट ड्यूरेशन इज ओनली 2 आवर्स। इकोनॉमिक्स आल्सो 2 आवर्स। आज तक आईसीएआई के हिस्ट्री में किसी ने नहीं बोला है कि मुझे इको का पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम कम पड़ा। आज तक आईसीएआई की पूरे हिस्ट्री में किसी ने नहीं बोला स्टूडेंट ने आके हमको कि राइट सर इको के लिए टाइम कम पड़ा। बट आज तक किसी ने यह भी नहीं बोला कि सर मैथ्स का पेपर मैं पूरा कंप्लीट किया एंड पूरा 2 बार रिविजन करके देखा सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। आज तक ऐसा एक ने भी नहीं बोला है। तो मैथ्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दो चीजें एवरी वन नोज मैथ्स स्टैट एलआर में दो चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्यूरेसी एंड स्पीड। पहला क्या? एक्यूरेसी। दूसरा? तो एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये दोनों के बिना हम क्रैक नहीं कर पाएंगे या अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। तो आपको फोकस किस पे करना है, एक्यूरेसी पे या स्पीड पे? आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे, आपको फोकस करना है। एंड स्पीड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस, स्पीड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। स्पीड जो है ना वो प्रैक्टिस से आएगा, समझ में आ रहा है कि आपको ये? तुम बोलोगे नहीं मैं बहुत स्पीडली सॉल्व करूंगा, तो मैं बहुत स्पीडली सॉल्व करूंगा बिफोर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल कॉम्प्रोमाइज एक्यूरेसी, विल कॉम्प्रोमाइज। एंड अगर एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड तो किसी काम का ही नहीं है। यस और नो? फास्ट मिस्टेक कर लिया ऐसा हो जाएगा ना फिर, यस और नो? एक्यूरेसी अगर नहीं है तो स्पीड होके भी कोई फायदा नहीं है। तो एक्यूरेसी एंड स्पीड ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। तो हमारा फोकस ये पूरे बैच में किस पे होगा? क्लास में एक्यूरेसी पे। एंड फिर उसके बाद में प्रैक्टिस जो होगा, सेम टाइप के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो भाई ये सॉल्व करो, ये बुक सॉल्व करो, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करो, चलो डीडी सॉल्व करो, ये सब किसके लिए? स्पीड के लिए। ये सब किसके लिए होगा? स्पीड के लिए। तो बहुत जरूरी है ये। एंड याद रखो बच्चों, स्पीड हैज नथिंग टू डू विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है इसलिए स्पीड नहीं आता है, मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है इसलिए आंसर एक्यूरेट आता है, इसलिए आंसर। स्पीड विल नॉट कम फ्रॉम कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आंसर एक्यूरेट आएगा। स्पीड कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। स्पीड कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा मेरे भाई, समझ आएगा आपको ये? बाबा बाबा प्रैक्टिस करोगे। अब बताओ विराट कोहली जैसा बैट्समैन सारे शॉट खेल सकता है, ही नोज एवरीथिंग, करेक्ट और नॉट? मतलब ही नोज एक्यूरेटली हाउ टू डील विद एवरी बॉल, करेक्ट और नॉट? फिर भी वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? 8-8, 9-9 घंटे नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों लोग करते? ताकि वो अपने रिफ्लेक्सेस बराबर रहे उस समय पे, इस टाइप का बॉल आया तो अपने को भी वो टैकल करते उस समय पे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझना चाहिए ना, उतना स्पीडली दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, समझता है क्या? उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो सेम अप्लाइज इन मैथ्स आल्सो, समझता है क्या बच्चों? अब कोई क्वेश्चन आया, अगर आप उस पर 5 मिनट सोच रहे हो, उसके बाद में आपके कंसेप्ट दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है, फिर आंसर लिखा, आंसर एक्यूरेट है, बट किसी काम का नहीं यार। 6 मिनट गए ना इसमें, अपने पास 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट। एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में भी वो सर्कल डार्क करने के लिए 4-5-6 सेकंड तो लग ही जाते हैं, करेक्ट और नॉट? क्वेश्चन पढ़ने को थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो हार्डली आपके पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कितना मिनट है? 1 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, करेक्ट और नॉट? इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन 1 मिनट में होता है, कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड के भी रहते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं। डायरेक्टली बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, ऑप्शन है AM, मीडियन, मोड, नन ऑफ दीज। तो AM को टिक करना है आपको, ये तो 5 सेकंड में हो गया ना,
तो देर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको एकदम 15-20 सेकंड में 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे. कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि कितना भी प्रैक्टिस किया हुआ स्टूडेंट उसको 2 मिनट लगते हैं. तो बिल्कुल आप ये मत समझो कि हर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कैसे 1 मिनट में होगा. बिल्कुल हर क्वेश्चन पे वो 1 मिनट वाला पैरामीटर मत लगाओ. समझा क्या? कुछ क्वेश्चन नो डाउट किसी के लिए भी ज्यादा टाइम लेने वाले. अल्टीमेटली आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 120 मिनट में बच्चों, ठीक है? तो बिल्कुल हर क्वेश्चन को यूनिफॉर्म टाइम लगेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन भी करना गलत है, ठीक है बच्चों? चलो फिर लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे, आई होप यू आर कंफर्टेबल. ओके, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज है ना बच्चों, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, अपन वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है अपने पास, करेक्ट है कि नहीं? लेक्चर के ड्यूरिंग तुम क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर दूंगा, क्या मतलब है यार इसमें? बराबर है कि नहीं? जो भी कुछ बाकी के जो क्वेरीज रहते वो आप ये सब बाद में पूछा करो. वो टेलीग्राम ग्रुप में हो सब लोग, मैक्सिमम लोग है कि नहीं? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, राइट, हेल्पलाइन नंबर को कॉल करो, उससे हो सकता है ना, करेक्ट है कि नहीं? तो ये बाद में जो भी कुछ आपके क्वेरीज रहते ये आप अपनी, अभी फिलहाल ये मैथ्स का टाइम है, बराबर है कि नहीं? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन से जगह पे कौन से टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट, बराबर है या नहीं? ओके चलो फिर. तो जैसे कि मैंने बताया, सीए फाउंडेशन जून 24 एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं. ये जो भी रिकॉर्डिंग बाद में कोई फ्यूचर में देख रहा है, तो दिस एप्लीकेबल फॉर नवंबर दिसंबर 24 एग्जाम आल्सो एज इट इज एप्लीकेबल है. नवंबर 24 के लिए, नवंबर मतलब ऑब्वियसली नवंबर दिसंबर 24 के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा. इनफैक्ट अगर इसके पहले का किसी के पास रिकॉर्डिंग रहेगा तो वो भी मई 24 के लिए, जून 24 के लिए एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड यू आर एडिंग टू चैप्टर्स इन दैट. वो दो चैप्टर्स कौन से? लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड कौन सा? सैंपलिंग थ्योरी. चलो फिर स्टार्ट कर दे बच्चों अपना बैच, मैथ्स स्टैट एंड एलआर. 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स. तो मैथ्स में अपने पास है कितने चैप्टर्स? 8 चैप्टर्स लिखा है उधर ब्रैकेट में. स्टैट में कितने चैप्टर्स है? 6 एंड एलआर में है 4 चैप्टर्स. अब ये सवाल ये है कि सर ये कौन से चैप्टर्स है वो भी बताओ. तो चलो मैं ये चैप्टर्स कौन से आपको बता देता हूं, चलेगा बच्चों? तो चैप्टर के नाम लिख के दूं पहले. अच्छा, हर चैप्टर को कितने मार्क्स है वो दिया जाता है क्या? जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड तक होता है ना कि ये चैप्टर 5 मार्क, ये चैप्टर 7 मार्क, तो ऐसा आईसीआई ने कभी वेटेज नहीं दिया है. एंड नॉट ओनली फॉर फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन से सीए फाइनल तक चैप्टर वाइज वेटेज कहीं पे भी नहीं है. समझा क्या? ये चैप्टर किया 2 मार्क, ये चैप्टर किया 5 मार्क, ऐसे कहीं पे भी नहीं है. बट मोर और लेस इसका इक्वल वेटेज होता है ऑल चैप्टर्स का. समझ रहा है क्या? अराउंड 5-6 का एमसीक्यूज हर चैप्टर के वो पूछ लेते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 5-6, कोई चैप्टर के 7 एमसीक्यू, कोई चैप्टर के 5 एमसीक्यू, अकॉर्डिंगली वो पूछ लेते हैं. बिल्कुल एक चैप्टर 15 मार्क के लिए पूछा ऐसा कभी नहीं होता है, या एक चैप्टर के दो ही क्वेश्चन आ गए ऐसा भी कभी नहीं होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट, दे आस्क द क्वेश्चंस ऑन एवरी चैप्टर. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? चलो फिर, ये मैथ्स के जो 8 चैप्टर्स है बच्चों, उसमें से पहला चैप्टर है जो हम आज ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है रेशो कॉमा प्रोपोर्शंस, रेशोस कॉमा प्रोपोर्शंस, लॉग्स एंड इंडाइसेस. लॉग्स एंड इंडाइसेस, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस, फर्स्ट चैप्टर. तो आपको समझा? आपको ये अभी प्रिंटेड नोट्स में ही लिखना है, कहां पे लिखना है, कैसे लिखना है, समझा ना आपको ये? तो इसी तरह से अपना नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना. ये ऐसे समझो कि आप नोटबुक में ही लिख रहे हो, कुछ पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है ताकि मैं कहने वो जो समझ रहा है ना वो टाइम आपका बच जाए, एंड बाकी का ऑब्वियसली तो एज गुड एज आप ही पूरा लिख रहे हो ऐसा हो गया ना ये, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो आप पढ़ रहे हो साथ साथ में. तो एज गुड एज यू आर राइटिंग एवरीथिंग ऑफ दिस और नॉट. तो रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस. ओके, दूसरा चैप्टर है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी. दूसरा चैप्टर क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इस चैप्टर को तुम चाहो तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ एन्यूटी, विथ एप्लीकेशंस ऑफ एन्यूटी ऐसा भी बोल सकते हो. आईसीआई के हिसाब से चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट हम उसमें पढ़ने क्या वाले? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ एन्यूटी. तुम चाहो तो ये भी बोल सकते हो चैप्टर का नाम. तो ये दो चैप्टर मैथ्स में, तो मैं जिस सिक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं उसी सिक्वेंस में बता रहा हूं, समझ रहा है ना? तो पहला चैप्टर रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस, दूसरा चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. Then third chapter we have to study is sequence and series. Third chapter we need to learn is sequence and series. इस chapter को तुम चाहो तो AP, GP ऐसा भी बोल सकते हो.
APNGP is arithmetic progressions and geometric progressions. Arithmetic progressions and geometric progression, sequence and series. Then fourth chapter है inequalities. Fourth chapter क्या है? Inequalities. Okay. Fourth chapter है inequalities, जो comparatively एक छोटा chapter है. Then next chapter, एक one of the very important chapter is equations. Okay. क्या पढ़ने वाले हम लोग? Equations. तो equations में mainly we are going to learn linear equations, quadratic equations and cubic equations. Linear equations, quadratic equations and cubic equations. Okay. तो ये पांच chapter अभी तक maths में से है, stat में से है या LR में से? मैथ्स में से. ये पांच चैप्टर. ओके, तो अभी भी और इसमें तीन चैप्टर है, बट मैं अभी स्टैट के चैप्टर आपको बता रहा हूं. रीजन ये है कि आपको मैं जिस सीक्वेंस में क्लास में लेने वाला हूं, उस सीक्वेंस में यहां पे लिख के दे रहा हूं. समझा क्या? तो ये पहले पांच चैप्टर हो गए. समझा क्या बच्चों? तो मैं यहां पे डायरेक्टली सिक्स नंबर ही ऐसे दे देता हूं, चलेगा क्या? क्योंकि अपना क्लास का सीक्वेंस मेंटेन होगा फिर. समझ रहा है क्या? तो सिक्स नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. कौन सा बोलो? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग थ्योरी. एंड कौन सा बोलो? सैंपलिंग थ्योरी. तो आपको शायद समझा रहेगा कि इसमें एडिशन क्या है. पहले ही चैप्टर का नाम क्या था? सिर्फ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. अब चेंज होके क्या हुआ है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग थ्योरी. तो ये सैंपलिंग थ्योरी का एडिशन है उसमें. समझा क्या? ओके. उसके बाद में अपने मैथ स्टैट का सबसे बड़ा चैप्टर आने आएगा, और वो चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. समझ रहे हैं बच्चों? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. उसके बाद में अपन लेंगे एट चैप्टर, जिसका नाम होगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस. कौन सा चैप्टर? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस. ओके, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, तो ये अपना एट चैप्टर हो गया. तो अभी तक कितने चैप्टर का नाम लिखा मैंने? एट. एट चैप्टर का नाम लिखा क्या? तो अभी तक मैंने मैथ्स के कितने चैप्टर पढ़ाए समझो आपको? ऐसे समझो पांच. स्टैट के कितने? तीन. ये करते 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 अपने अराउंड 100 आज से आगे चला जाएगा अपना बैच. समझा क्या? फिर हम लेंगे LR के चैप्टर. ओके, तो मैं यहां पर 9 लिख के देता हूं. ओके, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं नंबर ऐसे क्यों लिख रहा हूं, समझ रहा है ना? जिस सीक्वेंस में हम क्लास में पढ़ाएंगे वो बता रहा हूं मैं आपको. ओके, तो नाइन्थ चैप्टर हम लेंगे नंबर सीरीज. कौन सा? नंबर सीरीज. नंबर सीरीज कॉमा कोडिंग डीकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज. ऑड मैन आउट सीरीज. ओके, ये चैप्टर नंबर सीरीज कोडिंग डीकोडिंग ऑड मैन आउट सीरीज. उसके बाद में टेंथ होगा अपना चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट्स. कौन सा चैप्टर का नाम है? डायरेक्शन टेस्ट. उसके बाद में होगा ब्लड रिलेशंस. क्या होगा बच्चों? ब्लड रिलेशंस. एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा सिटिंग अरेंजमेंट्स. क्या होगा? सिटिंग अरेंजमेंट्स माय फ्रेंड्स. ओके, सिटिंग अरेंजमेंट्स. ओके, तो कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए अभी तक ऐसे समझो? 12. अच्छा बच्चों, ये जो चार चैप्टर है ना LR के, ये मैं बहुत अल्ट्रा स्लो पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो ये चार चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 12 आवर्स लगेंगे. कितना? 12 आवर्स. एंड उस समय पे आप बोल देंगे, नहीं सर आपने बहुत स्लो पढ़ाया सर ये, राइट? आपने 6-7 घंटे का 12 घंटे खींच लिया सर. आप समझ रहे हो क्या? ये इतना आसान काम है. आप समझ रहे हो क्या? ओके, बट ऑब्वियसली हर राइट बीट उस टाइप का नहीं है, नो डाउट. ये LR मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई समझ रहा है क्या आपको? ये प्योर लॉजिकल है. समझ रहा है क्या? ये जैसे कि समझो मैं बोल रहा हूं कि रामू वेंट इन अ वेस्ट डायरेक्शन, ही टुक अ राइट टर्न, ही टुक अ लेफ्ट टर्न, देन ही टुक अ राइट टर्न, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? अब बताओ, ये तो फोर्थ स्टैंड का बच्चा भी कर लेगा ना यार.
यस और नो? फिर वो कभी क्वेश्चन पूछेगा ए एंड बी दो ब्रदर्स हैं, उनकी मम्मी सी है, सी के पापा डी है, डी का मामा ई है, तो ए एंड ई का क्या रिलेशन है? समझा या नहीं? इस टाइप के क्वेश्चंस समझ में आ रहा है क्या आपको ये? राइट, फिर नंबर सीरीज कोडिंग डीकोडिंग क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ऑड मैन आउट क्या होता है वो भी सीखेंगे, एंड हम बहुत डिटेल में सीखेंगे बच्चों हर चैप्टर। अपना सिलेबस मैंने आपको नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो बताया, कितना मैं मटेरियल देने वाला, उसे आपको थोड़ा बहुत अंदाज तो आया ही रहेगा। एंड 210 घंटे मतलब समझता है कि आपको 210 आवर्स समझता है कि आपको, एक आजकल का मूवी 2 घंटे का होता है तो 105 मूवीज अपन देखने वाले मतलब सिर्फ मैथ्स, बराबर है या नहीं? तो कितने चैप्टर्स अभी तक हो गए? 12 चैप्टर्स। ये चैप्टर होने के बाद में हम लोग यहां पे 13 चैप्टर लेंगे, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्या चैप्टर का नाम है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो मैंने 5 के बाद में 13 क्यों लिखा डायरेक्टली समझाना, इधर मैं किस सिक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं क्लास में वो नंबरिंग दे रहा हूं यहां पर, आप समझ रहे बच्चों? तो परम्यूटेशंस एंड कॉमन, ताकि आपको अब सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाला है ये भी सस्पेंस नहीं है आपको, बराबर है ना? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देन 14th चैप्टर हम लेंगे स्टैटिस्टिक्स से जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है उसका? प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या नाम है चैप्टर का बोलो? प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, ये नोट्स बच्चों आपको हार्ड कॉपी आ जाएगा, ये नोट्स वैसे टेलीग्राम पे भी आ जाएगा, सब जगह पे नोट्स मिल जाएगा आपको बच्चों, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं आपको ये नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? एंड बहुत ही जल्द आपको इसका हार्ड कॉपी मिल जाएगा, सब कुछ ये एकदम इन ट्यून रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो 14 चैप्टर तक आ गए प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है बच्चों? प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ये, एंड इसके बाद में हम इमीडिएटली और एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का ही लेंगे जिसका नाम है थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, और इस चैप्टर को चाहो तो तुम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, और यू कैन कॉल इट एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। समझ आए बच्चों? ये चैप्टर कंप्लीट होते ही वी विल कंप्लीट वन मोर चैप्टर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। क्या नाम है? इंडेक्स नंबर्स। एंड इंडेक्स नंबर्स कंप्लीट होते ही आप क्लास में ऐसे बोल पाओगे क्या कि हमारा पूरा स्टैट खत्म हुआ, पूरा LR भी खत्म हुआ, अब सिर्फ मैथ्स के कुछ चैप्टर बाकी है, ऐसे आप बोलोगे? यस और नो? यहां तक आते हैं आप क्या बोलोगे? सर हमारा पूरा स्टार्ट हो चुका है, पूरा LR कंप्लीट हो चुका है, सर ने स्टार्ट मैथ से किया है बट अभी एंड भी सर मैथ से ही करेंगे। यस और नो? फिर हम पढ़ेंगे एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस। क्या पढ़ेंगे? सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस। एंड यहां पे अब इंस्टीट्यूट ने एक एडिशन किया है छोटा सा, और वो एडिशन है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। क्या क्या एडिशन बोलो यहां पे? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये छोटा सा एडिशन है सिलेबस में अभी May 24 जो December 23 के लिए नहीं था। समझा मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? कौन सा सेट्स फंक्शन रिलेशन था उनके लिए, क्या नहीं था? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ओके, एंड लास्ट चैप्टर अपने बैच का रहेगा डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल एंड क्या बोलो? इंटीग्रल कैलकुलस, या तुम उसको चाहो तो बोल सकते हो डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। क्या बोल सकते हो हम? देखो बच्चों, ये डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन हो सकता है कि कुछ लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो लोगों ने इसके 5-6 महीने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सीखा रहेगा, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के मिला के 12th में। समझ रहा है क्या? बट ये अब CA फाउंडेशन में कुछ डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन कोई समझ रहा है क्या आपको? ये इतना डेप्थ में नहीं है जितना आपने पहले कभी सीखा है। आप समझ रहे हो क्या? 18 चैप्टर में से एक चैप्टर है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जबकि किसी ने अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से भी अगर 12th किया है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के मिला के 7-8 चैप्टर है उसमें।
derivatives, application of derivatives, बराबर है या नहीं? Integration, application of integrals, definite integral, application of definite integral, correct or not? तो उतना depth में यहाँ पे नहीं है. एंड ऊपर से सबसे important part तो इसमें trigonometry है ही नहीं. तुम्हारे पूरे CA curriculum में कहीं पे भी आपको sin x, cos x, tan x कहीं पे भी कुछ भी नहीं है. आप समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे derivatives and integration का एक basic syllabus अपने को सीखना है. बहुत सा basic derivatives and integration आपको समझना चाहिए. इतना आईसीआई का इंटेंट है. इसके कुछ डेप्थ में ऐसा कुछ तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो इन टोटल कितने चैप्टर्स है मैथ्स स्टैट एलआर में? देयर आर 18 चैप्टर्स. सो 18 चैप्टर्स लिख के ले लिए बच्चों आपने. आपको थोड़ा बहुत समझा अपन ये नोट्स कैसे कंप्लीट करने वाले? तो देखो बच्चों, आप अदरवाइज मैं ये पूरा लिख के देता तो भी आप ऐसे ही लिखने वाले थे ना. ओनली थिंग इज दैट मैथ्स है, स्टैट है, एलआर में पहले टेबल बना के दिया था आपको ऑलरेडी, उसमें हमने कंप्लीट कर दिया. ठीक है, तो एज इफ यू आर राइटिंग एवरीथिंग ऐसे ही हो रहा है कि नहीं बताओ? As if you are writing everything, ऐसा हो रहा है कि नहीं बच्चों? Yes or no? तो चलो आज ये पहला ही लेक्चर है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करो सब लोग, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो, क्योंकि आपको फिर पढ़ने में भी मैथ्स मजा आएगा बाद में अगर आप ये नोट्स अच्छे से मेंटेन करोगे. इसमें कुछ भी गंदा लिखा मत करो, समझ रहा है क्या? अच्छे से लिखने का सब कुछ, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने का. प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे रफ कैलकुलेशन करके देखना है, तो साथ साथ में एक दो तीन पेजेस रफ रखा करो आप साथ साथ में, समझ रहे हैं ना? वो दो तीन पेजेस भर गए वो फेंक दो, दूसरे ले लो. रफ ही है ना वैसे भी. तो साथ में आपको कुछ लगता है कुछ कैलकुलेशंस के लिए तो रफ पेजेस आप रखा करो. ओके, आपको मैंने डे नंबर वन को कैलकुलेटर के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे. आपको पता है क्या कैलकुलेटर इज अलाउड इन सीए फाउंडेशन एग्जाम? फाउंडेशन से लेके फाइनल तक हर एग्जाम में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये कैलकुलेटर आपने बाय करना पड़ेगा. तो कैलकुलेटर कैसा बाय करना है मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देता हूं इसके बारे में. ओके, कैलकुलेटर के तीन टाइप होते हैं. ओके, सिंपल कैलकुलेटर, समझ रहा है क्या? देन साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड फाइनेंशियल कैलकुलेटर. कौन से? सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड फाइनेंशियल कैलकुलेटर. तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसपे लॉग, साइन, कॉस, वो डायरेक्टली वैल्यू होता है उसपे. कौन सा? साइंटिफिक कैलकुलेटर. जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है वो तो बहुत ही एडवांस होता है, उस पर तो डायरेक्ट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डायरेक्ट होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट होता है, समझ रहा है क्या? वो सिर्फ जो सीए बन गए उनके काम का है, समझ रहा है क्या? या कुछ एग्जाम इंडिया में एग्जाम्स है और सीए छोड़ के सीएफए बोल के एक एग्जाम है, राइट? वो एग्जाम में फाइनेंशियल कैलकुलेटर इज डायरेक्टली अलाउड. ओके, तो अपने लिए वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो अपने लिए कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है? सिंपल कैलकुलेटर. सिंपल में भी एकदम वो छोटा वाला कैलकुलेटर रहता है वो नहीं लेना है अपने को. ओके, ये साइज का कैलकुलेटर आपको बाय करना है या इससे बड़े भी रहते थोड़ा बहुत. ओके, बट मैं आपको बता दूं अभी मेरे जो हाथ में ये जो कैलकुलेटर है ना, इट इज द मोस्ट आइडियल कैलकुलेटर. इट इज द मोस्ट आइडियल कैलकुलेटर. ये कंपनी वंपनी छोड़ दो जो भी है, ये कैसियो का है. 12 डिजिट कैलकुलेटर. कितना? 12 डिजिट एंड 150 स्टेप्स चेक ऐसे होना चाहिए उस पर. कितना स्टेप बोलो? 150. ये बेटर है. 12 डिजिट का कैलकुलेटर होना चाहिए. उसमें मैं कुछ फंक्शंस बता रहा हूं जो आप देखो कि आपके कैलकुलेटर पे होना ही चाहिए, एंड अगर वो नहीं है तो आपको कैलकुलेटर दूसरा बाय करना पड़ेगा, या नया बाय करते वक्त आप एंश्योर करो कि उस पर वो फंक्शंस है. ऑब्वियसली प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो हर कैलसी पे होता ही है. ओके, आपके कैलकुलेटर पे एक मेमोरी प्लस बोल के बटन होना ही चाहिए. कौन सा बटन? एम प्लस बोल के. क्या होना चाहिए? फिर एम माइनस एंड एम आर सी. तो ये M प्लस को कैसे पढ़ेंगे आज के बाद? मेमोरी प्लस. M माइनस मेमोरी माइनस. MRC मेमोरी रिकॉल. क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी रिकॉल. मेमोरी रिकॉल, करेक्ट है? आप समझ रहे हैं आपको ये मेमोरी रिकॉल. तो ये M प्लस M माइनस MRC. ये कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, कुछ कैलकुलेटर के फंक्शंस आपको पता नहीं रहेंगे, ये भी मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, राइट? देर आर कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑल्सो जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा बच्चों. जो जो आपको मैथ्स में लगता है कि सर हमें ये दिक्कत है, ये तो हमने स्कूल में ही पढ़ा था, बट अभी आप बेसिक नहीं बताओगे. मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है. ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 10th में भी आपने मैथ्स में आप एवरेज से भी बिलो स्टूडेंट्स थे एंड आपको कुछ नहीं आता है. ये एज्यूम किया हुआ बेटर है ना कभी भी? यस और नो? चलो इज बेटर ना मेरा. एंड वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं. आप समझ रहे हो ना? क्योंकि मुझे आपके चेहरे देखना है ना बाद में यार, मुझे भी तो डिप्रेशन नहीं चाहिए ना, समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां पे चलो ऑनलाइन वाले तो बच्चे चेहरे दिखते नहीं है, मुझे यहां पे तुम्हारे चेहरे देखते रहते देखना रहता है ना यार. यहां पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्टूडेंट ऐसे ऐसे देख रहा है, मेरा भी तो बीपी बढ़ेगा ना यार उसमें,
है या नहीं है? तो मैं ऐसे ही एज्यूम करूंगा कि आपने इसके पहले मैथ्स पढ़ा ही नहीं है बच्चों, ठीक है? तो हम लोग क्लास में एवरीथिंग विल स्टडी फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, वेरी बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके? तो ये एम प्लस एम माइनस एम आर सी ये बटन होना चाहिए, और एक बटन होता है प्लस ऑब्लिक माइनस बोल के, प्लस ऑब्लिक माइनस ये बटन होना ही चाहिए, और एक बटन होता है जीटी, कौन सा? ग्रैंड टोटल। जीटी मतलब क्या होता है? ये ग्रैंड टोटल, ये होना ही चाहिए अपने कैलसी पे। एंड और एक स्क्वेयर रूट, कौन सा वाला बटन? ओके उसके बाद में कभी कभी कुछ कुछ कैलसी पे वो टैक्स वन टैक्स टू ऐसा होता है, या एम यू बोल के एक बटन होता है, वो रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपने को कुछ भी काम नहीं है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? बट ये बेसिक है, एंड ऑब्वियसली प्लस माइनस ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय इक्वल टू का ये बटन तो होता ही है, वन टू थ्री फोर तो रहेगा ही कैलसी पे ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये कैलकुलेटर पे ये सारे फंक्शंस होना चाहिए, ये एंश्योर करो बच्चों, ये उधर होना चाहिए। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कौन से बटन बच्चों बोलो? एम प्लस, उसके बाद क्या बोलो? एम माइनस, उसके बाद एम आर सी, देन प्लस और माइनस वाला बटन होना चाहिए, देन ग्रैंड टोटल वाला, स्क्वेयर रूट वाला, ये सब याद कर लो बच्चों। फिर या लिख के लिए आपने कैलकुलेटर, अगर आपने बाय किया है तो आप देख लो कि आपके कैलकुलेटर पे ये फंक्शन है क्या, एंड नहीं बाय किया तो आप ऐसे ही इंश्योर कर लेना, यही कैलकुलेटर ले लेना बेटर है। आप इस टाइप का कैलकुलेटर मैं आपको बोलूंगा कि ये प्रेफरेबल है, कौन सा? कैशियो वाला ये कैलकुलेटर, ये कभी इसको कभी भी प्रेफरेंस दो बच्चों, ओके? दिस इज द बेस्ट कैलकुलेटर, आप समझ रहे हो क्या? बाय ओरिजिनल कैलकुलेटर, वो फुटपाथ पे कहीं का डुप्लीकेट कैलकुलेटर मत बाय कर लेना मेरे भाई, करियर स्टेक पे मत लगाना 100 रुपए के लिए, आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बाय ओरिजिनल कैलकुलेटर, ठीक है बच्चों? यस, क्या बोले बेटो? हाँ तो दूसरा बाय करने का, यस, मैंने जो अभी बाय बोला था वो फंक्शन उस पर होना चाहिए। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? तो आपको अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर नहीं है तो यू हैव टू पुट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 200-300 रुपए, वो इन्वेस्टमेंट करोगे ना आप? यस और नो? बाकी आपका मोबाइल लाखों और हजारों रुपए का रहेगा, है ना? उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना? तो कैलकुलेटर बाय करोगे सब लोग? यस। चलो फिर आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे आज, यस और नो? चलो तो फिर आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो पहले चैप्टर का नाम है रेशो प्रपोर्शन लॉग्स एंड इंडाइसेस, रेशो प्रपोर्शन लॉग्स एंड इंडाइसेस। हम पहले कुछ लेक्चर जो है ना बच्चों वो सिर्फ 1.5 घंटे के ले रहे, उसके बाद में सारे लेक्चर 2 आवर्स के रहेंगे। समझा मैं क्या बोला? पहले कुछ लेक्चर, फ्यू लेक्चर्स विल बी ऑफ 1.5 आवर्स, उसके बाद में अपना एक बैच में एक बार पेस पकड़ लिया तो उसके बाद में ऑल द लेक्चर्स विल बी ऑफ 2 आवर्स। समझा बच्चों? यस। चलो फिर पहला चैप्टर रेशो प्रपोर्शन लॉग्स एंड इंडाइसेस, तो उसके बाजू में लिख देना आप चैप्टर वन रेशो प्रपोर्शन लॉग्स एंड इंडाइसेस। करीबन बच्चों ये पहले चैप्टर को ही अपने को 30 आवर्स लग जाएंगे कंप्लीट करने के लिए, कितना? 30 आवर्स लग जाएंगे, ओके? क्योंकि ये पहला चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज है, आप समझ रहे हो क्या? इसी में मैं आपको कैलकुलेटर का यूज, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ये सब कुछ बता दूंगा, ओके? तो मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को अरे यार कब से कितने दिनों से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा है, ये क्या करना है, ये आप मुझे, आप टीचर को डाउट में रखोगे ना तो आपका कोई फायदा नहीं होगा इसका, क्योंकि आपके सामने पर्टिकुलरली आई विल नॉट कमेंट ऑन अदर्स, बट आपके सामने जो टीचर है ना विनोद रेड्डी, वो तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैथ्स पढ़ा रहा है। कब से? पैदा होने के भी 2 साल पहले से, समझ रहा है ना? तब से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे मत बताओ कि जोर किसको क्या, ये मुझे सब पता है, आप समझ रहे हो क्या? क्या करना है, कब कौन सा पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कब कौन सा पॉइंट बताना है, आप सिर्फ पेशेंस रखो, इसको मेरा एरोगेंस मत लेना, इसको मेरा कॉन्फिडेंस बोल के लेना। समझा या नहीं? कुछ लोगों को लगता है कि नहीं कैसा एरोगेंट टीचर है, एंड वो मैथ्स का टीचर एरोगेंट नहीं होते, कॉन्फिडेंट होते, समझ रहे कि नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को वो एरोगेंस लग जाता है, वो उनका प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है क्या? वो टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कुछ, क्योंकि क्या होता है, देखो सिंपल चीज है भाई, अभी जैसे एक मूवी में एक एक्टर होता है, एक डायरेक्टर होता है, किसको मूवी के बारे में ज्यादा पता होता है? डायरेक्टर को, बट फेस किसका सामने रहता है? एक्टर का। तो हम लोग डायरेक्टर है, समझा नहीं? तुम लोग एक्टर हो, कल जाके पास हो जाओगे ना, फेस तुम्हारा रहेगा सामने, समझ रहा है क्या?
बट आई एम नॉट सेइंग कि हमें ही पूरा क्रेडिट जाता है, नो डाउट भाई तुमको भी बहुत मेहनत करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप बताओ आप एट अ टाइम चार मूवीज कर रहे हो, मैं एक ही पे काम कर रहा हूं, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक ही पिक्चर पे काम कर रहा हूं एंड मुझे वो मूवी का समझो सीन नंबर वन सीन टू सीन थ्री ऐसे 200 सीन से समझो उसको एडिट करके पिक्चर बनता है बाद में, तो ये समझो बहुत अच्छा एक्टर है ओके। हो सकता है कि ये शूटिंग करने आया ना बच्चों इसको वो स्टोरीज का अंदाज भी नहीं है ठीक से, एंड हो सकता है कि जो मूवी में एंड में आने वाला है ना क्लाइमैक्स वो मैं पहले शूट कर रहा हूं, आप बताओ बट मेरे दिमाग में पूरी मूवी है कि नहीं, ये ऐसा रहने वाला है वैसा रहने वाला है ऐसा होने वाला है एंड में ये होने वाला है, बट इसको मैं उस दिन एक्सप्लेन करता हूँ देख भाई ऐसा ऐसा है ये है वो है राइट, तू 8 साल के बाद इसको मिल रहा है इमोशन वैसे ही दिखना चाहिए, आंखों में आंसू आना चाहिए, 8 साल के बाद जब तू किसी को मिल रहा है अचानक से ये समझ रहा है क्या तो कैसे लगना चाहिए, आप बता, ये बोल रहा है हाँ भाई मैं एक्टिंग कर लूंगा, समझ रहा है क्या, बट इसको बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है स्टोरीज इसको एग्जैक्ट अंदाज है या डायरेक्टर को ज्यादा अंदाज है, डायरेक्टर को ज्यादा अंदाज है यस और नो, इसलिए क्या होता है जैसे कि मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था राजकुमार हिरानी का, थ्री इडियट्स मूवी देखा है क्या आपने, थ्री इडियट्स में वो जो लद्दाख में सीन है ना लास्ट में जहां पे आमिर खान मिलता है वो शर्मन जोशी करीना कपूर उधर स्कूटर पे आती है, देखा रहेगा आपने, राजकुमार हिरानी बता रहा था कि हम लोग जो मूवी शूट करना चालू किए ना वो पहला सीन वो शूट किए, समझा क्या, हमें मूवी में कहां कब दिखता है वो लास्ट में जहां पे यू 8 साल के बाद 10 साल के बाद मिल रहे हैं, बराबर है कि नहीं, कॉलेज लाइफ इनकी इतनी हैपनिंग थी ये जो भी थी राइट और नॉट, ये रैंचो को ढूंढ रहे इतने दिनों से अन अचानक से अभी रैंचो मिल गया तो ये कितना इमोशनल सीन है ना वो, करेक्ट और नॉट, 8-10 साल के बाद दोस्त मिल रहे हैं, अब बताओ इमेजिन करो कि वो तीनों लोग है वहां पे, अब बताओ उनको क्या पता ये स्टोरी ये पीछे का क्या हुआ है क्या नहीं है ये सब कुछ, ओवरऑल थोड़ा बहुत अंदाज है बट राजकुमार ईरानी को एग्जैक्टली पता है कि नहीं, वो कितना एक्सप्लेन करता रहेगा कि भाई ये इमोशन नहीं चलेगा तुम्हें ऐसे इमोशन आना चाहिए ये होना चाहिए ऐसा आना चाहिए, करेक्ट और नॉट, तुमको लिटरली एक दूसरे को पिटना है मतलब मानना है कि भाई समझ में आ रहा है क्या आपको ये एग्जैक्टली, तो बताओ वो डायरेक्टर नोज एवरीथिंग, करेक्ट है, तो एक्टर ने क्या करना चाहिए उस वक्त, एक्टर ने ये बोलना चाहिए क्या नहीं 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 मुझे गलत लग रहा है ऐसा करेंगे ऐसा ऐसा किसी दोस्त को मारते क्या कभी, समझा क्या, वो तो झापड़ लगा के देते हैं ना उसको याद है क्या आपको, और वो पैर से झापड़ है या क्या एग्जैक्टली, वो डायरेक्टर नोज एवरीथिंग अबाउट दैट और नॉट, तो एक्टर ने क्या करना चाहिए उस समय पे दिमाग बंद करना चाहिए एंड डायरेक्टर जो बोल रहा है वो सुनना चाहिए, जब कम नॉलेज एंड ज्यादा एनालिसिस ये तूफान डेंजरस कॉम्बिनेशन है, एनालिसिस कब होना चाहिए नॉलेज के साथ में, करेक्ट और नॉट, तो कुछ कुछ लोगों का क्या रहता है पर्टिकुलरली ऑनलाइन कुछ हुआ नहीं सांस लिया नहीं सोर ये नहीं समझो सर सोर ये क्या है, भाई थोड़ा ठंड रखने का पैनिक में नहीं जाने का, मैं यहीं पे हूं तुम्हारे एग्जाम तक मैं यहीं पे हूं, करेक्ट है कि नहीं, अच्छा कम से कम वो लेक्चर एंड होने तक समझो कि भाई अपने को समझ में आता है क्या, करेक्ट है, अच्छा क्यों मैं आपको ये ऑनलाइन वाले के लिए बता रहा हूं, जब तक तुम टाइप करोगे तब तक भी मैं यहां पे कुछ बोल ही रहा हूं ना, वो कौन सुनेगा भाई, है कि नहीं, हो सकता है कि उसमें ही आपका डाउट सॉल्व हो रहा है वो तो तुम सुन ही नहीं रहे हो, अब तो लगे हो तो टाइप करने में कुछ तो, समझ रहा है कि नहीं, एंड ऑनलाइन वाले पर्टिकुलरली अगेन ओके वो मोबाइल पे कुछ तो और देख रहा है और कुछ तो सुन रहा है, ऐसे करोगे तो ये काम नहीं बनेगा मेरे भाई ओके। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में राइट हम लोग इंडिया में सबसे अच्छा स्कोर लाएंगे उसके लिए एफर्ट्स भी अपने को उसी लेवल के देना पड़ेगा, है या नहीं, चिल्लर काम करके नाम तो नहीं होगा ना मेरे भाई, यस और नो, अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना है तो ऑर्डिनरी एफर्ट से नहीं बनेगा ना मेरे भाई, हमारे एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालना पड़ेगा ना हमें, यस और नो, तो हम लोग कोई नौटंकी कोई अननेसेसरी टाइम पास नहीं करेंगे बच्चों राइट, एंड हम लोग सिर्फ मैथ्स एंड मैथ्स पे फोकस करेंगे, समझ में आ रहा है कि आपको ये सिर्फ मैथ्स में अपन अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते वो देखेंगे, चलेगा बच्चों, तो चलो फिर मैंने आपको चैप्टर्स तो क्या है ऑलरेडी बता चुका हूं ओके, एंड टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है बोलो, रेशो प्रपोर्शन लॉग्स एंड इंडाइसेस, रेशो प्रपोर्शन लॉग्स एंड इंडाइसेस, तुम बताओ बोलो व्हाट डू यू मीन बाय रेशो, रेशो मतलब क्या, अभी पढ़ के नहीं बताने का यहां पर ध्यान देने का, हाँ बोलो रेशो क्या होता है, 3:7 एक रेशो है, 8:5 इज अ रेशो, तो रेशो इज बेसिकली अ फ्रैक्शन, रेशो इज बेसिकली अ 8:11 9:35 18:16 समझा, ये रेशो है या 3:5:9 3:5:2, तो रेशो क्या है एक फ्रैक्शन है, रेशो क्या है, तो रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यूज्ड फॉर
किसका कंपैरिजन? अब बताओ, समझो मैं बोल रहा हूं कि मेरा एज इस टू ये लड़के का एज का रेशो है, का रेशो है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, का रेशो है 20:7। क्या रेशो है? 20:7। ये रेशो है, इसका मतलब मैं 20 साल का हूं और वो 7 साल का है क्या? नहीं। तो फिर तो अगर मेरा एज 20x है तो उसका एज 7x है, वेर x क्या है वो तो पता नहीं अभी तक, तो यस और नो, बट मैं कंपैरिजन तो कर पाया ना 20:7 से। अब हो सकता है कि मेरा एज 20 है उसका 7 है, हो सकता है कि मेरा 40 है उसका 14 है, यस और नो, क्योंकि x अगर 2 लिया मैंने तो 20x मतलब 40 हो जाएगा, तो अगर मैं 40 हूं तो वो कितना है फिर बोलो? 14। एंड अगर मैं 60 हूं तो वो क्या कितना है फिर? 21। मैं 60 हूं तो वो कितना है? तो अगर मैंने मेरे और उसके एज का रेशियो बताया एंड उसके बाद में मेरा एज बताया तो उसका एज आपको पता कर पाओगे आप, या उसका एज बताया तो आप मेरा एज पता कर पाओगे कि नहीं? समझो मैंने बोल दिया कि मेरा इनकम इज टू ये बच्चे का इनकम का रेशियो है लेट्स से 10:13, 10:13 का रेशियो है। इसका मतलब हुआ मेरा इनकम अगर 1 करोड़ है तो उसका इनकम कितना है बोलो? 1.3 करोड़ है। 10:13 बोला था ना मैंने, यस और नो। मेरा इनकम 10 लाख है तो उसका इनकम कितना है? 13 लाख है। मेरा इनकम 10 मिलियंस है तो उसका इनकम 13 मिलियंस है। मेरा इनकम 10 बिलियंस है तो उसका इनकम 13 बिलियंस है। मेरा इनकम 10 रुपीज है तो उसका इनकम 13 रुपीज है, करेक्ट और नॉट? तो मैंने हम दोनों का जब इनकम का कंपैरिजन किया तो वो कंपैरिजन में मुझे पता चला कि अगर मैं 10 हूं तो वो 13 है, तो 10x अगर मैं हूं तो वो 13x है, मैं 10m हूं तो वो क्या है? 13m, मैं 10p हूं तो वो 13p है, जहां पे p कैन बी एनी नंबर, जहां पे p कैन बी एनी नंबर। तो रेशियो इज बेसिकली क्या है बोलो? रेशियो इज अ फ्रैक्शन। चलो लिखो, रेशियो इज अ फ्रैक्शन, रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशियो इज अ बोलो फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप, विच आर ऑफ बोलो सेम टाइप या सेम काइंड, विच आर ऑफ सेम काइंड। एंड दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस्ड इन बोलो बच्चों सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो मैंने आपको प्रिंट करके दिया है वो भी आप साथ साथ में पढ़ते हो क्या बच्चों, या जो मैंने लिख रहा हूं डायरेक्टली वही पढ़ रहे हो? नहीं, आपका नोट्स वो पूरा साथ साथ में करेंगे कि नहीं हम कंप्लीट? तो क्या है रेशो बोलो? रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ बोलो सेम टाइप, एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। समझा क्या आपको? अच्छा बताओ बच्चों, मेरे एज का और उसका इनकम का रेशियो हम कभी फाइंड नहीं करते? अच्छा, मेरा वेट एंड उसका हाइट का रेशियो होता है क्या? नहीं। मेरा एज एंड उसके मार्क्स का रेशियो होता है क्या? नहीं। उसका इनकम एंड मेरे पास के नंबर ऑफ कार्स का रेशियो होता है क्या? नहीं। कंपैरिजन किसका होता है? हाँ बोलो, मेरा इनकम, उसका इनकम, किसी और का इनकम। इनकम्स का कंपैरिजन हो सकता है, एज का कंपैरिजन हो सकता है, मार्क्स का कंपैरिजन हो सकता है, वेट का कंपैरिजन हो सकता है, हाइट का कंपैरिजन हो सकता है, सैलरी का कंपैरिजन हो सकता है, टेम्परेचर का कंपैरिजन हो सकता है, सेल ऑफ दिस कंपनी इज टू सेल ऑफ दिस कंपनी का रेशियो हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद दिस कोचिंग सेंटर इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद दैट कोचिंग सेंटर का कंपैरिजन हो सकता है, यस और नो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस सिटी इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट सिटी का कंपैरिजन हो सकता है, यस और नो। वेट ऑफ अ कमोडिटी ए इज टू वेट ऑफ कमोडिटी बी का कंपैरिजन हो सकता है, बट एक का वेट दूसरे का एज का कंपैरिजन होता है क्या? एक का इनकम तीसरे का हाइट का कंपैरिजन होता है क्या? नहीं। तो रेशियो क्या है बताओ मुझे। हाँ चलो बोलो, बी पार्टिसिपेटिव बच्चों। देखो हमें ना बाकी कोई मस्ती नहीं करना है, गाने बजाना वो आप जहां करना है कर लो बाद में, ओके? वो मेरा काम है नहीं, ना मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है ना मुझे आता है वो, आप समझ रहे हो क्या? ओके, हम मैथ्स में ही इंजॉय करेंगे, हम लोग पार्टिसिपेटिव रहेंगे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? चलो बोलो, पार्टिसिपेटिव का मतलब समझता है ना?
देखो एंड टीचर से डरना नहीं है, कुछ डाउट आप पूछ सकते हो कभी भी, बट मेरा सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बोलता हूँ जो मैं चार बार एक्सप्लेन करता हूं वो स्टूडेंट सुनता नहीं है एंड फिर डाउट पूछ रहा है, देन इट इरिटेट्स, क्योंकि वो तुम सुन नहीं रहे हो इसलिए मैं दोबारा बताऊं, वो मुझे बहुत गलत फीलिंग देता है। समझ रहे हैं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ भाई, तुम्हारा पूरा ध्यान है फिर भी तुम्हें समझ नहीं रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, प्रॉमिस दिलाता हूं बच्चों, मैं 1000 बार एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं अगर आपको समझ नहीं रहा है आपका ध्यान होते हुए भी। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बट मैं इधर देख रहा था इसलिए आप वापस बताओ, फिर तो मुझे मतलब ये समझ रहा है ना फीलिंग कैसे, वो सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर आजकल का होता है ना ऐसे, उस टाइप का फीलिंग नहीं चाहिए ना भाई। समझ रहा है क्या? नहीं भाई जैसे, हाँ चल एक काम कर, मेरा ध्यान नहीं था वापस, गलत फीलिंग है ना यार, है या नहीं? नो डाउट आजकल वो सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर ही है देन दैट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, बट थोड़ा बहुत तो अपन अपने पे अच्छे संस्कार हुए ना, माँ बाप ने अपने को कुछ सिखाया अच्छे से, बराबर है कि नहीं? अपन एक टीचर एंड स्टूडेंट का बाउंड्री समझते है या नहीं है? टीचर एंड स्टूडेंट का एक क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है, ये आपको समझता है एग्जैक्टली? उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट है रिस्पेक्ट, बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? रिस्पेक्ट, वो होना चाहिए स्टूडेंट्स का टीचर के लिए भी एंड टीचर को भी स्टूडेंट्स का टू एन एक्सटेंट, करेक्ट और नॉट? बट टीचर राइट तुम्हारे लॉन्ग टर्म अच्छे के लिए काम कर रहा है, हो सकता है कि उसके लिए कभी वो गुस्सा करे, कभी कुछ आपको बोले, ये जो भी कुछ है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका कभी भी हम बुरा नहीं चाहिए, भले आप कुछ भी करो एंड ये भी करो, आपका अच्छा ही चाहेंगे हम लोग, इनफैक्ट बहुत अच्छा चाहेंगे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन द प्रोसेस में आप कभी आपको कभी डांटा, कभी लगा कि सर ऐसा कैसे, तो उसको पर्सनल मत लेना, उसको यही समझना कि भाई सर मेरा अच्छा ही चाहते हैं, जैसे मेरी माँ ने आज तक मुझे 100 बार पीटा रहेगा, मेरे पापा ने आज तक मुझे 200 बार मारा रहेगा, करेक्ट और नॉट? तुम्हें से है क्या कोई जो माँ बाप का आज तक एक बार भी नहीं मार खाया, बताओ एखादा है क्या कोई? कुछ कुछ रहते हैं आजकल, बट ऐसा है क्या कोई तुम में से जो माँ बाप का एक बार भी मार नहीं खाए? एक, ओके, वैसे चेहरा देख के लग नहीं रहा है बट चलो मान लेते हैं। हाँ बोलो और बताओ, एक बच्चा है सिर्फ, करेक्ट और नॉट? उसने कौन है फिर तुमको चाचा मामा ने पीटा क्या, यानी किसी ने आज तक किसी ने नहीं पीटा क्या? बेटा कैसे क्या इतनी शराफत बेटा, अच्छे घर वाले ऐसा नहीं होता है, मतलब बाकी के लोगों के घर वाले पीटते हो क्या बुरे है क्या? हाँ वो हो सकता है कुछ और, तो हो सकता है कि तुम बहुत अच्छे हो, ये पॉसिबल है, ओके। बट अपना टिपिकल इंडियन फैमिलीज में होते रहते एपिसोड्स, बराबर है कि नहीं? चलता रहता है ऐसे, समझ रहा है कि नहीं? तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको मारूंगा पीटूंगा, वो फ्रीडम मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए भी नहीं, ओके। बट आपको मैं कभी डांट सकता हूँ, वो फ्रीडम मैं राइट ले रहा हूँ, ओके, अलाउड है मुझे? कभी आपको मुझे लगा कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो तो मैं आपको डांटूंगा, मतलब आपको फिर नींद उड़ जाएगी उस दिन, ऐसा भी हो सकता है, आप समझ रहे हो क्या? वो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में आपने सुना रहेगा तो ऐसे ही सुना रहेगा पहले कुछ, करेक्ट है कि भाई उसके आसपास भी मत जा करके, बराबर है कि नहीं? तो देखो मैं आपके अच्छे के लिए काम करूंगा, बस मैं इतना बताऊंगा आपको, आप समझ रहे हो क्या? चलो फिर, व्हाट इज अ रेशियो बताओ? रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। चलो एग्जांपल क्या बोल रहा है ये, इफ विनोद्स वेट इज हाउ मच बोलो, 90 किलोग्राम्स एंड अनंत वेट इज 60 किलोग्राम, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग? वी कैन से दैट रेशियो ऑफ, वी कैन से दैट रेशियो ऑफ, हां बोलो, वेट्स ऑफ विनोद्स एंड अनंत इज, या तो आप यहां पे नीचे लिखा ही है मैंने, वी कैन से दैट वेट्स ऑफ विनोद एंड अनंत आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो क्या है? 90:60। अच्छा बता मुझे 90:60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 3:2। आपको बता मुझे 90:60 को मैं 3:2 कैसे लिख सकता हूं? तो दिस एज वेल एज 90/60, तो 3:2। अच्छा बता, बट मेरा वेट 3 है क्या फिर? तो फिर 3 कैसे बोल सकते हैं? जब रेशियो 3:2 है इसका मतलब पहला क्वांटिटी 3 नहीं होता है, क्या होता है? पहला क्वांटिटी 3x तो दूसरा क्वांटिटी 2x, वेयर x कैन बी एनी नंबर। तो अगर समझो मैंने बोल दिया कि मेरा वेट जो है वो 30 किलोग्राम्स है, तो आनंद का वेट कितना होगा फिर? मेरा वेट अगर 30 है तो उसका कितना होगा? 20। अरे मेरा 30 है तो उसका 20 होगा ना यार, 3:2 रेशियो है, मैं विनोद हूं ना, यस और नो? तो विनोद एंड आनंद का वेट का रेशियो क्या था? 90:60, मतलब 3:2 मैंने बोला आपको,
बट अगर वो 3:2 के रेशियो में ही है एंड मैंने बोल दिया कि मेरा वेट अगर 60 है तो उसका कितना हुआ 40, 60 मेरा है तो उसका कितना हुआ 3:2, समझा के आपको ये? तो आप बताओ जो रेशियो होता है बच्चों A:B, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस ओके इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो। अब बताओ ये जो 90:60 था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? 3:2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? अच्छा मुझे बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? आप ही मुझे बताओ, A:B इज इक्वल टू AM:BM, A:B इज इक्वल टू बोलो AM:BM प्रोवाइडेड M इज नॉट जीरो, प्रोवाइडेड बोलो, क्योंकि दोनों को जीरो से तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं? क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना बच्चों, यस और नो? A:B कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बोलो AM:BM। अच्छा मुझे बताओ P:Q कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज P/M:Q/M, ऐसे चलता है क्या बच्चों? अगेन प्रोवाइडेड, हाँ बोलो क्या रहेगा? M इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड M इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझा क्या बच्चों? तो मेरा एक सेंटेंस है वो सही है क्या बताओ आप? ओके सुन रहे हो क्या बच्चों? ये आराम से कंप्लीट करने का बच्चों, समझ रहा है ना? कुछ पैनिक में नहीं जाने का, क्या है पढ़ने का उसके बाद लिखने का, समझता है क्या? यस और नो? तो आप बताओ कैन आई से, सुन रहे हो क्या ये सेंटेंस? ऑल द टर्म्स ऑल द ऑफ अ रेशियो, ऑल द ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी और डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, बाय सेम विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट रेशियो, विदाउट चेंजिंग द, और एक बार बताओ सेंटेंस क्या था बोलो? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट रेशियो। आप बताओ कैन 2:3 बी रिटर्न एज 20:30, यस। कैन इट बी रिटर्न एज 14:21, यस। 2:3 कैन बी रिटर्न एज 14:2, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यस और नो? कैन इट बी रिटर्न एज 10:15, यस। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैन इट बी रिटर्न एज 2:3:1, कैन इट बी रिटर्न एज 2:3:1, दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, दोनों को, समझता है क्या? आपको सुनाई देता है ना मैं क्या बोल रहा हूं सबको? आप बताओ कैन आई से ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और बोलो डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। अब बताओ फोर्थ पॉइंट, इन द रेशियो 30:60, द रेशियो क्या है बोलो? 30:60 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बोलो 1:2, कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बोलो 1:2 इन इट्स बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है उसका बोलो? ये सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इट्स कौन सा फॉर्म बोलो? तो अगला पॉइंट में भी लिख देना, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको लग रहा है कि सर इतना छोटे चीजें लिख के क्यों देते हो? मेरे भाई अपना पेपर का पैटर्न MCQ है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, रेशियो इज एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म, ऑल ऑफ दिस, समझा या नहीं? इसलिए क्योंकि अभी अपना पेपर मतलब डायरेक्टली आगे कोई क्वेश्चन आने वाला है वही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता है। आज तक 12th तक क्या था या 10th तक क्या था, अपन एक चैप्टर पढ़ते थे, टीचर बेसिक बताता था, आपको भी मालूम रहता था कि हाँ इस ये टीचर अपने नॉलेज के लिए बोल रहे, सिर्फ आगे के एग्जाम वाले क्वेश्चन तो आगे आने वाले। बट यहां पर ऐसा है क्या? नहीं, यहां पर कोई भी सेंटेंस MCQ बन सकता है ना, यस और नो? तो बोलो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स? 30:60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए डिवाइड बाई बी, डू यू एग्री ऑन दिस? कैन दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज AM डिवाइडेड बाई BM? कैन दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज A/M डिवाइड बाई B/M? ऐसे चलता है क्या बच्चों? वैसे भी MM कैंसिल होगा ना वहां पे, यस और नो? Can this also be written as AP divided by BP? Can this also be written as A/P divided by, बोलो,
बी बाय पी प्रोवाइडेड, हां बोलो, एम कॉमा पी, ये नंबर्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है, प्रोवाइडेड एम कॉमा पी है, जो जिससे भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ रेशो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो, ऑल द बोलो टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी, हां बोलो, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी, बोलो, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट रेशो, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट रेशो। तो देखो सेम सेवन पॉइंट वही लिखा है क्या, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम, बोलो, नॉन जीरो नंबर, उसको अंडरलाइन करो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय, बोलो, सेम नॉन जीरो नंबर। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तो बोलो एक्स इज टू आई कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, आप बताओ कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5x is to 5y, चलता है क्या ऐसे? Can it this be also be written as 10x is to 10y? Can this also be written as 0.20x is to 0.20y? चलता है क्या ऐसे? से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा क्या? Can this also be written as x by 10 is to y by 10? चलता है क्या ऐसे? Can this also be written as x by 20 is to y by 20? चलता है क्या मेरे भाई? कैन दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज 17x इज टू 17y? यस और नो? इसका मतलब ही हुआ ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। थोड़ा बहुत अभी तक देखो हम लोग पहले लेक्चर के, अभी मैं पहले 15 मिनट है, आपको थोड़ा बहुत तो समझा रहेगा कि अपना पढ़ाने का तरीका क्या है, समझ आए आपको? ये अपना पढ़ाने का तरीका है कि अ लेमैन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, समझ आए क्या? मैं यही सोच रहा हूं कि भाई राइट, हम मेरे सामने वही बच्चा बैठा है जो बहुत मैथ्स में वीक है, एंड अगर आप स्ट्रांग हो तो तुम्हारे लिए बोनस है वो, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे सामने वीक बच्चा बैठा है, उसी एंगल से मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि वो स्ट्रांग वाला बच्चा बोलेगा नहीं सर आप बहुत बोर करते हो, क्या कर भाई, तुम्हारे लिए भी थोड़ा ज्यादा ही प्रैक्टिस हो रहा है ना, तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है क्या इसमें? करेक्ट और नॉट? मैं अपने मैथ्स पढ़ाने का सक्सेस वो जो वीक बंदा है ना उसके मार्क्स से डिटरमाइन करता हूँ, जो स्ट्रांग बंदा है ना उसको मैं पढ़ाऊंगा या कोई और पढ़ाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको सेम ही मार्क्स आते, समझ आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, ओके। तो आप समझे क्या बच्चों? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, ऑल द टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय, बोलो, सेम नॉन जीरो नंबर। अच्छा बताओ, इन द रेशियो एक्स इज टू वाई, इन द रेशियो एक्स इज टू वाई एक रेशियो है, तो x जो है वो फर्स्ट टर्म है, बराबर है ना? तो फर्स्ट टर्म को आज के बाद हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज, अब देखो बच्चों ये भी एमसीक्यू आ सकता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट। हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे हैं बच्चों, समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? हो सकता है कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के बाद टेस्ट लूं, हो सकता है कि पहले दो के बाद में दो पे टेस्ट लूं, जो भी रहेगा टेस्ट भी रहेंगे अपने, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज, बोलो, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, ओके, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट, माई फ्रेंड्स, समझ में आता है क्या आपको ये? ओके, तो एंटीसीडेंट फर्स्ट, तो बताओ इन द रेशो, चलो वहां पे एक नीचे लाइन है उधर एक ले देना आप, एक इन द रेशो, इन द रेशो 11:13, इन द रेशो, बोलो, 11:13 कॉमा एंटीसीडेंट इज, एंटीसीडेंट इज 11 एंड कॉन्सिक्वेंट इज, consequent is 13. So first term of the ratio is known as antecedent and second term of the ratio is known as consequent. Second term is known as consequent. समझा बच्चों? मैं पहला लेक्चर है इसलिए मैं वापस एक बार अपील करूं, बाकी सब लोगों को बोल दूं मेरे भाई
कि भाई प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? आपको बिल्कुल भी कोई डाउट भी नहीं बचेगा, आपको सिर्फ मेरे साथ रिस्पॉन्ड करना है। एंड मैं आपको बोला था दैट ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे दिमाग में है कि भाई नहीं 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 यार, ये आपको अपने को पढ़ा पाएगा नहीं, क्या है प्रॉब्लम, तो फिर तो इश्यू ही रहेगा ना यार। समझा या नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिलीव करते हो वहां पे। एंड आपको कुछ चैप्टर कुछ दिनों के बाद में ही समझेगा कि भाई आप बहुत सेफ जगह पे हो। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, चलो, इन द रेशो, ओके, एक्स इज टू वाई, एक्स फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। सेकंड टर्म को क्या बोला जाता है? कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो इन द रेशो ए इज टू बी, इन द रेशो अगर ए बी से बड़ा नंबर है, ए बी से, फॉर एग्जाम्पल लेट से एट इज टू थ्री, आप बताओ यहां पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से बड़ा है? यस और नो? 12 is to, let's say, 4, let's say 13 is to 11, let's say 101 is to 78, समझ में आ रहा है क्या बच्चों? 131 is to 61, 198 is to 23, समझ में आ रहा है? ऐसे कोई भी आप मुझे बता, आपको इधर क्या है? ये सारे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड टर्म से, तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म बड़ा है, मतलब एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन, तो वेन एवर एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट वी कॉल इट एज अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इसको क्या बोला जाता है? बोलो, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो टेल मी, वेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, आंसर दो मुझे। When antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality. When antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality. समझा क्या बच्चो? When antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality. When antecedent is less than consequent, okay, it is said to be a ratio of रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। उसको क्या बोला जाता है? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज सेड टू बी अ रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। आप मुझे बताओ कि कुछ रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स? हाँ बोलो, जल्दी बताओ यार। 3:5, 7:11, ओके, 12:35, राइट, 38:93, ऐसे के दो चार एग्जाम्पल है या हजारों, कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं? अनलिमिटेड यार, उसका क्या है? सिर्फ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से छोटा रखना है आपको। तो व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। एंड वेन एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, उस रेशियो को हम बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो वेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ इक्वालिटी, वेन एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, वेन एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी, इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ, रेशो ऑफ इक्वालिटी के क्या एग्जाम्पल से बताओ फिर? बोलो, 8:8, 9:9, बराबर है ना, 15:15, 28:28, 30:30। अब बताओ, कैन आई से राइट, ये जो भी रेशो ऑफ इक्वालिटी है ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 है, ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1:1 ही रहेगा। यस और नो? तो मैंने एक नीचे सेंटेंस लिखा है, क्या है बताओ? Simplest form of ratio of equality is always, बोलो, 1:1. Simplest form of ratio of equality is always 1:1. Simplest form of ratio of equality is always 1:1. तो tell me my friends, अगर इसके बाद में आपको कोई पूछे when a ratio is said to be ratio of lesser inequality, when a ratio is said to be ratio of greater inequality, when a ratio is said to be, बोलो, ratio of equality, आपको बताते आएगा क्या? तो बोलो, when a ratio is said to be ratio of greater inequality, when antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality, when a ratio is said to be ratio of lesser inequality,
when antecedent is less than consequent, it is said to be a ratio of lesser inequality. And when antecedent is equal to consequent, it is said to be a ratio of equality. When antecedent is equal to consequent, it is said to be a ratio of equality. What is the simplest form of ratio of equality? 1:1. Simplest form of ratio of equality is always 1:1. वहाँ पे एक नीचे और एक सेंटेंस लिखते हैं, ये सही है क्या बताओ? Simplest form of ratio of equality is 1:1 लिखा है क्या बच्चों आपने? मैं ऐसे लिख रहा हूँ, simplest form of 8:8, 10:10, 13:13, 25:25, 38:38 is, हाँ बोलो क्या है? 1:1. मतलब simplest form of ratio of equality is always 1:1. Simplest form of ratio of equality is always 1:1. Yes or no? तो देखो बच्चों, आपको समझा क्या ये notes मैंने कैसे बनाए फिर? आपको लग रहा है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग ये? एंड ये फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज है, ऐसे 1200 पेज की नोट्स है अपने, समझा के मैं क्या बोल रहा हूं? तो अपन बहुत कुछ डेप्थ में सीखने वाले हैं, ना जाने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग, समझा क्या? तो ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना बच्चों इसमें। एंड आपने लेक्चर मिस किया तो आपको तुरंत समझेगा कि भाई वो पार्ट बाकी है, समझा या नहीं? तो आपको ये सब कुछ कंप्लीट रखना है। इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? Yes, ये जो मैं लिखता हूं बच्चों यहां पे, इसका सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, समझा क्या? मतलब बाय चांस आपका कभी एक आधा आपने लिखा बट आपको लगता है कि नहीं यार मैंने गलत लिखा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरे नोट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो फिर ये। बट एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आई सेड नॉट ऑन डेली बेसिस, नॉट ऑन, चैप्टर खत्म होगा मैं भेज दूंगा, चैप्टर खत्म होगा भेज दूंगा, हर जो चैप्टर खत्म होगा उस दिन मैं आपको टेलीग्राम पे इसका सॉफ्ट कॉपी भी शेयर करूंगा बच्चों। मतलब मैंने जो लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, मतलब विद सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। तो बाय चांस कोई आपने एक चैप्टर में मान लो अच्छे से नहीं लिखा है, तो मे बी यू कैन टेक प्रिंट ऑफ जो मैंने क्लास में लिखा है फिर, करेक्ट और नॉट, इवन दैट कैन बिकम नोट्स और नॉट, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अदरवाइज आपके पास में हर नोट्स का हार्ड कॉपी रहेगा जिसमें आप खुद लिखोगे बच्चों, तो आपके पास इंडिया का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? राइट, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? ठीक है, तो व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इक्वालिटी? बोलो 1:1। अब एक क्वेश्चन है यहां पे, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ सम क्वांटिटीज। कोई दो क्वांटिटी दिए है आपको, जो नोट्स मैंने दिए वो रीडेबल है ना बच्चों, या बहुत गंदा हैंड राइटिंग है? ठीक ठाक है ना? नहीं बहुत अच्छा नहीं है बट रीडेबल है मेरे ख्याल से, है ना? ओके, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ सम क्वांटिटीज। तो अब बताओ पहला जो क्वांटिटी है वो क्या है? 3 hours 5 minutes 8 seconds एंड दूसरा है 8 hours 10 minutes 40 seconds। इसका रेशियो फाइंड करना है ये दो क्वांटिटीज का। तो अब बताओ बच्चों कैसे करें? सबसे पहले तो दोनों को आपको एक सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाना पड़ेगा। मैंने आपको रेशियो में पहला सेंटेंस क्या लिख के दिया था? बोलो, पहला सेंटेंस, रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन द सेम। तो आप बताओ बच्चों यहां पे आवर्स मिनट सेकंड्स ये बहुत कुछ है, यस और नो? तो हम लोग इसको दोनों क्वांटिटीज को हम लोग क्या करेंगे? सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ताकि मे बी अपने को रेशियो मिल जाएगा। चलो एक मिनट मैं सॉल्व करता हूं, पहले बाद में लिखो आप। पहला क्या है बोलो? 3 hours 5 minutes 8 seconds डिवाइडेड बाय, क्या करना है अपने को बोलो? 8 hours 10 minutes 40 seconds बराबर ना बच्चों? अच्छा बताओ ये 3 hours मतलब 3 into 60 इतने मिनट्स हो जाएंगे, एंड इसको मैं इंटू 60 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड्स, तो इतने सेकंड्स है, प्लस 5 minutes मतलब 5 into 60 इतने सेकंड्स हो जाएंगे, यस और नो? प्लस 8 seconds, डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? डिवाइडेड बाय, हां बोलो, ये 8 hours मतलब 8 into 60 ये क्या हो जाएगा? मिनट्स। अरे 8 hours मतलब कितने मिनट्स? 8 into 60 480 minutes ना, एंड 480 मिनट्स मतलब इंटू 60 तो क्या मिल जाएगा मुझे? सेकंड्स। प्लस अब 10 मिनट्स मतलब 10 into 60 इतना सेकंड्स है, प्लस 40 seconds, तो एज इट इज लिखूंगा मैं, यस और नो? तो करो 3 into 60 into 60 वो कितना होता है? 10,800 सेकंड्स आता है,
यस और नो? 10,800 सेकंड्स प्लस 5 इंटू 60, चलो मैं यहां पे फिर भी लिख लेता हूं आपके लिए, टेल मी इज इट 10,800 सेकंड्स प्लस 300 सेकंड्स प्लस 8 सेकंड्स डिवाइडेड बाय, हां बोलो, 8 इंटू 60 इंटू 60 कितना था ये, 8 इंटू 60 इंटू 60 कितना था, इज इट 28,800 सेकंड्स प्लस 600 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स, सही है क्या बच्चों? तो बोलो इज इट 10,800 प्लस 308, टेल मी इज इट 11,108 सेकंड्स डिवाइडेड बाय, हां बोलो, 28,800 हां प्लस 640, टेल मी इज इट 29,440 सेकंड्स, ये रेशियो है, बट आप मुझे बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, आप ही बताओ मुझे, ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करो आप ही बताओ, एक काम करो पहले 8 से डिवाइड किया जाता है क्या, चेक करो 11,108 डिवाइड बाय 8 कितना था ये, नहीं डिवाइड बाय 8 नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय 4 करो, 11,108 डिवाइड बाय 4 करो कितना था, हां बोलो 2,777 एंड 29,440 डिवाइडेड बाय 4 करो, हाँ बोलो कितना था, 7,360। और बताओ कोई नंबर से ये दोनों को डिविजिबल होता है क्या, होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो जो आया वही आंसर है, समझा क्या आपको ये, तो ये जो आया हुआ है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, इट इज द बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, कितने लोगों को समझाइए ईमानदारी से बताओ, समझा रहेगा तो हाथ ऊपर करने का, जनरली समझा आपको ये, तो मैंने दोनों क्वांटिटीज को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, दोनों को बोलो सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया एंड फिर रेशियो लाया, तो टेल मी माय फ्रेंड्स राइट वेदर द फाइनल आंसर इज, क्या है फाइनल आंसर बोलो, फाइनल आंसर व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो, बोलो आंसर 2,777 इज टू 7,360 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो, यस और नो, कुछ गया क्या दिमाग में, लिखा क्या आपने आंसर, लिखा नहीं रहेगा तो अब लिखो, तो ये जो दो क्वांटिटीज मुझे दिए थे उसका रेशियो मैंने फाइंड कर दिया इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले तो मैंने दोनों क्वांटिटीज को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, दिखा क्या आपको, दोनों क्वांटिटीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स में, यस बच्चों जो लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जिनके पास नोट्स नहीं है तो ये नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर्ड है आपके साथ, ठीक है बच्चों, तो 2,777 इज टू 7,360 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, इसको और सिंपलीफाई होता है तो बताओ मुझे आप, किसी से 7 से 13 से डिविजिबल है क्या, हो नहीं है ना, 3 से डिविजिबल भी नहीं हो, बराबर ना, यस समझे बच्चों ये, अच्छा बताओ 11 पॉइंट क्या लिखा है उन्होंने, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब बताओ बच्चों ये जो मैंने फाइनल आंसर लिखा, अच्छा इसके अंदर मैंने 2,777 सेकंड्स इज टू 7,360 सेकंड्स ऐसे लिखा क्या कुछ नहीं, अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो प्लीज प्लीज आप बताओ, समझो मैं आपको बोलूं कि भाई मेरा एज टू ये लड़के का एज का रेशियो 2:1 है, क्या है, तो मैं बोला क्या कभी 2 years, 3 1 year, 40 years, 1 year या 20 years, ऐसा कुछ बोला क्या, 40 months, 20 months बोला कुछ, बट स्टिल आई हैव टोल्ड द रेशियो और नॉट, मतलब रेशियो एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बट अगर रेशियो में से अगर आपको बाद में एक क्वांटिटी बताना है ओके, तो वो क्वांटिटी को जनरली यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगेगा, समझो ये लड़का बोल रहा है मुझे कि सर आपके और मेरे एज का क्या रेशियो है, मैं बोल रहा हूं बेटा 2:1 रहेगा, कम 2:1, मैं बोला क्या इसमें इयर्स वगैरह कुछ, समझा क्या, ये बोल रहे सर आपका एज क्या है, मैं बोला भाई मेरा एज 41 है, मेरा एज
तो क्या पूछेगा, क्या 41 41 ईयर्स 41 मंथ्स, कुछ तो बता भाई, यस और नो? कॉमन सेंस उसको समझ रहा है कि जब मैं 41 बोल रहा हूं 41 ईयर्स है, बट मैं बोला था क्या? अच्छा चलो एग्जांपल इनकम समझो, ये बोला सर आपका इनकम क्या है, मैं बोला मेरा इनकम 5 है भाई, 5 क्या बोलेगा? अगला क्वेश्चन बताओ इसका, अगला क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो भाई, क्या 5, 5 लाख, 5 करोड़, 5 मिलियन, 5 बिलियन, कुछ तो बता, बोलेगा ना ये? बट समझो इसने पूछा था कि सर आपका और मेरे पापा का इनकम का क्या रेशियो रहेगा, मैं बोल रहा हूं भाई रहेगा 5:80, 5:80 या 5:81, समझा या नहीं? अब बताओ ये 5:81 में मैं बोला क्या, 5 लाख 81 लैक्स, मैं बोला क्या 5 करोड़ 81 करोड़? फिर भी रेशियो तो एक्सप्रेस हो गया ना, फिर भी रेशियो तो एक्सप्रेस हो गया कि नहीं? इसका मतलब रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बट उसमें से एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस अगर करना है आपको बाद में, तो क्वांटिटी विल बी एक्सप्रेस विद यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? ऑल द रेशियोज आर, बोलो, यूनिट फ्री। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बोलो, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो देखो अगर मैं समझो ऐसे लिखा यहां पे एक सेंटेंस, तो आप बताओ मुझे वो सही है क्या? रेशियो ऑफ 8 किलोग्राम्स कॉमा 12 किलोग्राम्स इज 8:12, दैट इज 2:3। आप बताओ बच्चों, क्वांटिटी जो थे मैंने वो बोला किलोग्राम्स में है, करेक्ट और नॉट? बट आप बताओ मैंने रेशियो को एक्सप्रेस करते वक्त यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लिखा क्या, लिखा क्या मैंने उसको 8 किलो 12 किलो? नहीं, उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:3 लिखा, उसमें लिखा क्या मैंने कुछ किलोग्राम ग्राम कुछ लिखा क्या? नहीं। तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समझा क्या? रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, रेशियो कैन बी, बोलो, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस ऑब्वियसली ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स है, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समझा क्या बच्चों? अब चलो एक सिंपल अपन क्वेश्चन डील करते हैं, चलेगा बच्चों? 5 आवर्स एंड 5 मिनट्स का रेशियो चाहिए आपको, एंड जो भी रेशियो चाहिए उधर सामने हेडिंग क्या लिखा है, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अपन साथ में सॉल्व करेंगे बच्चों, कोई आगे गड़बड़ करके कुछ ऐसा है तो है नहीं कि अपने को कोई भारत रत्न मिलने वाला है, ध्यान दे रहे हो यहां पर सब लोग? अच्छा 5 आवर्स 5 मिनट, ये तो 5:5, 1:1 होगा 1:1, अरे वो 5 आवर्स है, अगला 5 मिनट्स है, वो 1:1 होगा क्या? नहीं। तो चलो एक काम करेंगे, दोनों को आप क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करते, चलेगा क्या? तो आप मुझे बताओ ये 5 आवर्स मतलब 5 × 60 इतने मिनट्स हो गए, एंड ये नीचे 5 मिनट्स है, डू यू एग्री? अब बताओ ये दोनों मिनट्स में आया क्या? तो आप बताओ 5:5 कैंसल हुआ, वेदर आंसर इज 60:1, तो टेल मी वेदर आंसर इज 60:1। अच्छा कैंसल होता है ना ऐसे, ऑब्वियसली क्यों नहीं होता है, यस और नो? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। तुम चाहो तो इसको 300:5 ऐसे लिख सकते थे पहले, क्या लिख सकते थे, 300:5, बट 300:5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है फिर, 60:1। कितने लोगों को समझाइए? यस गुड। नेक्स्ट 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 10 आवर्स एंड 15 मिनट्स, करना है क्या बच्चों सॉल्व ये? चलो बता बच्चों मुझे 5 आवर्स मतलब कितना होता है बच्चों, 5 × 60 इतने मिनट्स हो गए, प्लस और 10 मिनट आ गए, डिवाइडेड बाय, हां बोलो, 10 आवर्स मतलब 10 × 60 इतने मिनट्स हो गए, प्लस 15 मिनट्स, सही है क्या बच्चों? तो बताओ ये 5 × 60 कितना आता है, 300 प्लस 10 इज 310 मिनट्स, डिवाइड बाय 615 मिनट्स। एक काम करो दोनों को 5 से डिवाइड करो, हाँ क्या आता है, दोनों को 5 से डिवाइड किया तो 62:1 123, सही है क्या बच्चों? इसको और सिंपलीफाई होता है क्या बताओ, और कोई 3 से वगैरह डिवाइड होता है क्या दोनों को? आपको लगा नहीं सर एक फ्रैक्शन में जाने दो, तो फ्रैक्शन में गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा ना फिर, इंटीजर होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए रेशियो, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या बोलेंगे? तो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसका फाइनल आंसर क्या है बच्चों,
62:123 समझा क्या बच्चों? टफ था क्या ये? नेक्स्ट, 6 feet 8 inches, बट बताओ बच्चों ये सॉल्व करने के लिए अपने को फीट्स एंड इंचेस का रेशियो पता होना चाहिए या फीट एंड इंचेस का रिलेशन पता होना चाहिए। तो एक फुट में कितने इंचेस होते हैं? अरे अपना जो लॉन्ग स्केल होता है ना वो एक फुट का होता है, एक कितना होता है? एंड 12 inches होते हैं, उसमें कितने होते हैं? तो पता नहीं है तो यहां पर लिख देना, प्लीज नोट, 1 foot इज इक्वल टू 12 inches, प्लीज नोट, 1 foot इज इक्वल टू 12 inches। तो आप बताओ बच्चों ये 8 feet मतलब कितने इंचेस हो गए? 8 into 12 प्लस 6 inches तो है ही, डिवाइडेड बाय 12 feet मतलब 12 into 12 इतने इंचेस हो गए, प्लस 8 inches, बराबर है क्या बच्चों? तो बोलो ये 96 + 6 इज इट 102 inches डिवाइडेड बाय, बोलो 152 inches, सही है क्या? एक काम करो दोनों को 2 से डिवाइड करो, पहले क्या आता है बोलो? 51:76, और सिंपलीफाई होता है तो बताओ, यस, और सिंपलीफाई होता है क्या? ये नहीं होता है, तो आंसर इज 51:76, 51:76 इज द आंसर। टफ है बच्चों ये? टफ है क्या? चलो अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे क्या? क्या है बोलो ये? 8 meters 10 centimeters = 10 meters 18 centimeters। तो आप बताओ मुझे, आपको मीटर एंड सेंटीमीटर का रिलेशन पता है क्या? क्या होता है बोलो? 1 meter = 100 centimeters। अच्छा बताओ 1 centimeter = कितना मिलीमीटर होता है? 10 millimeters, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बाजू में लिख रहा हूं, समझ रहे हैं ना आपको ये? यस और नो? अच्छा 1 kilometer = क्या होता है? 1000 meters। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, वो दिया हुआ है मैंने। तो बताओ 1 meter = how many centimeters 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 meter = मिलीमीटर कितने आएंगे बताओ? कैन आई से 1 meter = 1000 millimeters? अरे 1 meter 100 centimeters और 1 centimeter = 10 millimeters है, तो 1 meter = 1000 millimeters हो गए कि नहीं? इसमें भी डाउट है क्या आपको? ये लिखे क्या आप लोग? लिखे क्या मेरे भाई? चलो बोलो फिर अभी। 8 meters मतलब पहले तो सेंटीमीटर कितने होते हैं वो बताओ? 8 into 100 + 10 डिवाइडेड बाय 10 into 100 + 18। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 810 centimeters डिवाइडेड बाय 1018 सेंटीमीटर। चलिए काम करो दोनों को 2 से डिवाइड करो। हाँ बोलो क्या आता है? 405 / 509। और कुछ सिंप्लीफाई होता है तो वो करो, सिंप्लीफाई होता है तो करो, नहीं होता है तो यही आंसर है। इट इज 405:509 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, इज द, बोलो मेरे भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो, सही है बच्चों? समझा आपको यहां तक? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते, बाकी अपन कल देखेंगे। बोलो ये पहला क्या है? 5 minutes and 33 seconds। अच्छा यहां पे लिख के देना आपकी जरूरत है क्या बच्चों? एक मिनट मतलब कितने सेकंड्स वगैरह? नहीं ना? चलो बोलो फिर, 5 minutes मतलब 5 into 60 इतने सेकंड हो गए प्लस 33, एंड बताओ डिवाइड बाय क्या रहेगा? 8 into 60 + 45। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 333 seconds? इज इट 333 seconds डिवाइडेड बाय 480, बराबर है ना बच्चों? इज इट 525 seconds? और कुछ सिंप्लीफाई होता है तो करो, मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड हो सकता है दोनों को, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा बोलो? 111:110
175 और कुछ डिवाइड हो जाए तो कर लो, नहीं होगा ना अभी, तो 111 is to 175 इज आंसर, 111 is to 175 है ना बच्चों, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर, यस और नो, यहां तक समझा क्या बच्चों, पक्का? चलो आज इतना ही, लास्ट इतना इतना कर लेते, बाकी कर लेंगे। अब अभी देखो बच्चों, अब ये कुछ बचा है तो आपने ये घर पे अभी नहीं कंप्लीट करने का, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ज्यादा ज्यादा आपको बहुत ही सॉल्व करने की इच्छा हो रही है तो रफ में करने का, समझ रहा है क्या? क्लास नोट्स अपन क्लास में बनाएंगे, समझा क्या? चलो बोलो, ये 8 GB is to 512 MB है, तो आपको जीबी और एमबी का रिलेशन पता है क्या? ओके, पता नहीं है तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए यहां पे लिख के देता हूं मैं, 1024 bytes का होता है 1 KB, क्या होता है 1024 KB का होता है 1 MB, क्या होता है 1 MB, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? देन 1024 MB का होता है 1 GB, 1 GB, 1 GB, देन 1024 GB का क्या होता है बोलो, 1 TB, इसके आगे भी है बट जनरली अपन नॉर्मल अभी तक ऐसा इतना इस आगे नहीं गए, बराबर है ना? यस और नो? चलो बोलो फिर, अभी जो मैंने दिया हुआ है जीबी एंड एमबी है, तो मेरे ख्याल से 1024 MB का 1 GB होता है, तो एक काम करेंगे हम लोग 8 into 1024 करते हैं इसको, तो ये एमबी में आ जाएगा, यस और नो? डिवाइडेड बाय 512 बोलो एमबी, तो दोनों एमबी में आ गए क्या बच्चों? तो टेल मी वेदर आंसर इज 16:1, मैंने 1024 डिवाइड बाय 512 का आंसर कर दिया 2, नहीं समझा आपको? अरे ये 1024 समझा ना, 512 कट हो गया, ये 2 हो गया ना, तो 8 into 2 16:1, यस और नो? 16:1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं समझा आपको? अच्छा नहीं, तो 8 into 1024 करो, डिवाइड बाय 512 है तो उसके बाद में डिवाइड करो तो भी आंसर आ जाएगा, वेदर आंसर इज 16:1, कंफर्टेबल हो क्या बच्चों इसमें फिर? सच्ची में कंफर्टेबल हो क्या? आपको थोड़ा बहुत एक मैथ्स कैसे रहने वाला एक ओवरऑल अंदाज आया क्या? या आपको लगा कि नहीं भाई ये फिर ये टीचर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है कोई पहले 2-4 लेक्चर था अपन थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते, उसके बाद में और भी मजा आएगा आपको क्लास में, समझा ना? मैं भी थोड़ा आपको समझ लेता हूं, आप भी मुझे समझ लो, है कि नहीं? अभी पहले पहले तो क्या करते, आप भी नाटक करते हो, मैं भी करता रहूंगा शायद, है ना? बराबर है ना? बट होप आई एम श्योर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जैसा लास्ट डे तक मैं ऐसे ही रहूंगा, समझ रहा है ना? इससे प्यार से बात करूंगा ना, इससे ज्यादा कुछ, बट इससे थोड़ा बहुत डांट बढ़ सकती है, प्रोवाइडेड डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे, ठीक है? हाँ भाई, कभी डांटा तो चलेगा ना तुम्हें, तुम्हें तो आदत नहीं है, हाँ आदत है, आदत डांटने की तो आदत है या नहीं है? क्या वो भी नहीं है? क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सच मतलब सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो भाई? क्या हो, आज तक किसने डांटा नहीं? हाँ दोस्तों से पढ़ी है। अच्छा कौन सी, मतलब लेवल 1 की गाली है या लेवल 5? सब लेवल, ऑल लेवल्स। ओके ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल, गाली में लेवल होता है ना, पागल बावलट वेड़ायका लेवल 1 है ना, ठीक है। चलो फिर, चलिए सॉफ्टवेयर फॉर द डे माय फ्रेंड्स, यस थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।